हमारे देश के कुछ 28% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय की बात की जाए तो वो है 27 रुपए। वोट का हक जिसके पास है वो गुलाम हो तुम लोग। हम देंगे तो तुम लोग लोगे, जब तक हम देंगे नहीं तब तक तुम उम्मीद से रह देखना। उससे ज्यादा सपने देखने की औकात, आशा करने का हक तुम्हारे पास नहीं है, आएगा भी नहीं। ए चंदू, और थोड़ा आगे। हाँ सही है। पिछले 50 साल से मिट्टी के तेल के दिए की हमें आदत है। उससे निकलने वाले लौ से हमारा चेहरा और घर की दीवारें दोनों काली पड़ जाती हैं। हम में से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसी रोशनी हमारी जिंदगी में भी आएगी। चलो चलो। मेरे पिता हमेशा गांव का उद्धार करना चाहते थे। उनकी हमेशा इच्छा थी कि गांव में बिजली आ जाए। ये है मेरे पिता गोविंद। उनके बगल में मैं हूं प्रकाश। बॉक्स लिए जो शख्स खड़ा है उसका नाम है रघु। ये उनका बेटा राघव। उनके पीछे है चंद्रा भाई। किसी भी तरह हमारे गांव में बिजली लाने का विचार मेरे पिताजी का ही था। उसके लिए इन्होंने बहुत कोशिश की। इसलिए मेरे गांव वाले मेरे पिताजी को ही बोलते थे थॉमस एल्वा एडिसन। इनके जोड़ों में दर्द है, ये कहां चढ़ पाएंगे। सब कुछ होते हुए भी मेरे पिताजी अपने काम को आसानी से पूरा नहीं कर पाते थे। वो कहते हैं ना, मेरे पिता के विचारों ने भले ही उन्हें आकाश पर पहुंचा दिया हो, पर उनके घुटनों के दर्द ने उन्हें वापस जमीन पर ला दिया था। कुछ भी कहो पर रघु महान है भाई। करंट भी शायद वही लेकर आया होगा। सोचा हुआ काम अगर वक्त पे पूरा नहीं हो तो हमारी अहमियत नहीं होती, ये मुझे उस दिन पता चला। करंट भी आ गया है, अब संगमम घूमकर बुद्धरामम जाने वाले टूरिस्ट को हमारे गांव लंका में अगर रोक पाए तो हम सबको काम मिल जाएगा, हमारे गांव की प्रगति हो जाएगी। नमस्ते गोविंद। सच कह रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। रघु जी ने वहाँ सबको बुलाया है, चलो। हाँ हाँ चलो चलो। हर छोटी बात पर जो लोग मेरे पिता के पास आया करते थे अब वो राघव के पिता के पास जाने लग गए। हम सब ऐसे ही होते हैं, सही गलत का ख्याल किए बिना जिसके पीछे फायदा होता है वहीं पर जाते हैं। जिसके पास आत्मविश्वास की कमी होती है उसकी सहायता तो भगवान भी नहीं करते। उनकी नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने के लिए वो भगवान के पास जाने लग गए। वो प्रार्थना करने लग गए कि भगवान उनकी नाकामयाबी को कामयाबी में बदल दे। ये हमारा गांव है। पूर्व दिशा में है समंदर और पश्चिम दिशा में है ये पहाड़। उत्तर दिशा में है पानी की धाराएं तो दक्षिण में है गोदावरी। ये हमारे और दुनिया के बीच की सरहद बन गए हैं। बाहर की दुनिया से भले ही हम दूर हैं पर पुरातन बौद्ध रमन देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। प्रकृति के गैस को पाइप से निकालने की प्रक्रिया के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए विदेशी यहाँ अक्सर आते रहते हैं। फिर भी हमारे गांव के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हम लोग यहाँ पर रहते हैं ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। यहीं पर आकर गोदावरी समंदर से मिलती है। दुनिया की परेशानियों से दूर यहाँ के लोग अपने में ही मगन रहते हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियों में ही उनकी पूरी जिंदगी समाई हुई है। हमारे भोलेपन का फायदा उठाने के लिए एक गिद्ध हमारे गांव आया जिसे राघव के पिता यहाँ पर लेकर आए थे। तो ही उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। वैसे भी कम वोटों के लिए यहाँ पर 6 घंटे कार में 2 घंटे चलकर क्यों आए सर आप? दुनिया से दूर गरीबी के पास हमें वोट देने के लिए तो ये बेवकूफ है जनता। लंका रमैया की जय हो, जय हो। अभी विरोधी पार्टी की। अब तक आपको या आपके गांव के बारे में किसने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। रघु ने मुझे सब बताया, मैं सबकी तरह नहीं हूँ। आपके 36 वोट, आपके 36 वोटर्स के साथ आप पर निर्भर आपके बच्चों का भविष्य भी मैं सुधारूंगा। यहाँ किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है सर, सब माइग्रेट जोन ही है। इसीलिए क्या आप लोग इंसान नहीं है? क्या आपको वोट देने का हक नहीं होना चाहिए? जरूरत पड़ी तो
ऊपर के अधिकारी से झगड़ा करके आपको वोटर कार्ड के साथ साथ राशन कार्ड भी दिलवाऊंगा। आपके खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, सुई से लेकर आपको जिस चीज की जरूरत है सब दूंगा। पर उस सबसे पहले मैं इस रोड को जरूर बनाऊंगा। उसकी बातों में आकर चंदू को भी ये लगने लगा कि एक दिन हमारे गांव को नई पहचान मिल जाएगी। वोट डालेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, हम ये सोचने लगे थे। लेकिन जिंदगी बदली सिर्फ एमएलए और उनके चमचों की। एमएलए ये बात समझ गया था कि अगर हमारी प्रगति होगी तो हम उसे वोट डालना बंद कर देंगे। योजनाओं से मिलने वाला पैसा तभी उसे मिल सकता है जब तक हम गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। पेंशन, स्वास्थ्य योजनाएं और भी बहुत कुछ देने का वो हमें झांसा देने लगा। लोगों ने उसकी बातों में आकर काम करना बंद कर दिया और सारे लोग मटरगस्ती में जिंदगी गुजारने लग गए। चंदू भैया ने इन सब चीजों को बदलने की कोशिश जरूर की। हम सबको जागरूक करने के लिए वो लगातार सबको समझाते रहे, पर उनकी आवाज गांव वालों से पहले एमएलए और उसके लोगों को समझ में आ गई और उन लोगों ने अपना पासा फेंक दिया। ए, जल्दी लेकर आओ। सर, ये सब क्या है सर? आप ये सब क्यों लेकर जा रहे हैं सर? उन्होंने चंदू भैया का राशन कार्ड छीन लिया। योजनाओं की जो भी सुविधाएं चंदू भैया को मिल रही थी वो सब उन लोगों ने बंद करवा दी। इन सब के बाद भी गांव वालों की जिंदगी में सुधार लाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, पर गांव वालों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसी तनाव में उन्हें कैंसर हो गया। ऑपरेशन के लिए उन्हें 4 लाख रुपए की जरूरत थी, मगर उनकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया। बीमारी की हालत में वो मदद मांगने एमएलए के पास गए। एमएलए ने चंदू भैया का अपमान किया। जिस गांव की वो इतनी चिंता करते थे उसी गांव के लोगों ने उनकी चिता जलवा दी। बचपन में उस हादसे को देखने के बाद मेरे दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य बन गया। इंसान की मौत के बाद भी मूर्खों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, यह मुझे चंदू भैया के जाने के बाद समझ में आया। एमएलए की बातों में आकर पूरा गांव आलसी बन गया। उनके ना काम करने की वजह से पूरा गांव गंदा हो चुका था। पर मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूं। मैं इस सरकार का, इस एमएलए का गुलाम नहीं बनना चाहता और इसीलिए मैंने विरोध करने का ठान लिया। ए, कौन है तू? ए रमैया, चल खड़े हो जा। छह महीने हम किसी के साथ रहे तो हम उसकी तरह बन जाते हैं, तो मैं कैसे अलग हो सकता था? अरे मैं तो इसी गांव में पैदा हुआ हूँ ना, मैं भी उनके जैसा ही बन गया। यह है हमारा गांव, चेतापुराम नहीं बल्कि चैतन्यापुरम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4. और अंतरिक्ष विभाग, सुनो, मैं बहुत बधाई देता हूँ। तुम कौन हो उसे पता नहीं, बैठ जाओ। अरे जल्दी पत्ते पीसो यार, एक और गेम खेलते हैं। डालना, आज तो मैं ही जीतूंगा। कुछ नहीं होगा, रुको ना। दीदी, धीरे धीरे। क्या देख रहा है रे? बदतमीज बेशरम कहीं के। ए, वापस मिला मुझे जोकर। इसने पत्ते पीसे ना, चल। अरे सुनो, तुम्हारा राशन लेकर मैं आ जाऊंगी। हॉस्पिटल जाकर ये कौन सा रोग है पता लगाओ। इतने गंदे गांव में रहूंगी तो रोग नहीं होगा तो और क्या होगा।
और थोड़ी देर मुंह पे कपड़ा बांधोगी तो घुटन से ही मर जाओगी। जैसे कि तुम लोग मेरी बात मानती हो ना, तुम्हारी जिंदगी इस जन्म में तो नहीं सुधरेगी। हमारी जिंदगी तो अच्छी ही होगी, पर तनख्वाह के लिए गांव-गांव में घूमने वाली तुम अपने बारे में सोचो। अरे अरे छोड़ो, तेरे से बहस करना बहुत बड़ी गलती है। दोबारा शो तेरी तो जीत गया, निकालो। तेरा क्या है भाई, गैस कंपनी से तनख्वाह मिलती है, रास्ते का खर्च हमसे मिल जाता है, बिना मेहनत के कमा रहा है। तुम्हें क्या हो गया है, पूरी जिंदगी सरकार की योजना से ही तो जी रहे हो ना। यह है गिरी, ओएनजी कंपनी की नई मशीनरी की ट्रेनिंग देने के लिए इस गांव में आया हुआ है। ये प्रोजेक्ट इंचार्ज है, प्रोजेक्ट के लोगों के खाने के साथ साथ उन्हें घुमाने का काम भी यही करता है। अरे राघव, एमएलए से कहकर मेरी नौकरी परमानेंट करवा देना। वहां जब जाऊंगा तो उनसे एक बार बात कर लूंगा। मत जाना यार। ठीक है पहले ही कहा था ना कि हार जाएंगे। तूने कभी जीतने वाली बात भी बोली है? कभी अच्छा ख्याल आया तेरे दिमाग में? क्यों नहीं आया, वो लंका रमैया जीतेगा ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ क्यों नहीं कहेगा, तेरे पिता के जाने के बाद लंका रमैया का चेला तो तू ही बन गया है। इस तरफ उनकी बड़ाई करने के अलावा तू और कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। तुमने बिल्कुल सही कहा प्रकाश। क्या पुष्पा, उसके साथ मिलकर हमारा मजाक उड़ा रही है? उस रामन्या को बोलकर छोटे छोटे काम करवाने के लिए हमारा राघव ही तो है ना। उसके अलावा ही करेगा भी क्या, वैसे भी रमैया को इस आदमी के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। उनके पिता से विरासत में यही चीज तो मिली है प्रकाश, इसीलिए तो इसकी जल रही है। पुष्पा पुष्पा, उठा लूं क्या? उठा ले। तुझे नहीं तेरे बैग को। एक खींच के दूंगी ना। सर हाँ, सुसु सर हाँ? सुसु करने जाना है सर। तो मेरी जेब में मुतेगा, उधर जाके मुत। तुम लोग हेल्प डेस्क की पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हो। सुनिए सर। सर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आरोग्य योजना के अंतर्गत मुझे जोड़ों का ऑपरेशन करवाना है। इस योजना में नहीं होगा, 25,000 मिलेंगे, खुद करवा लीजिए। क्यों नहीं होगा सर, 20,000 जिनकी तनख्वाह है उन्हें सफेद कार्ड देकर 25,000 लेने की क्यों बात कर रहे हैं आप? योजना से ऑपरेशन करवाइए। हैसियत है तो करवा लो या फिर रहने दो। पहले आप लोग नाम लिखवाते हैं, उसके बाद आप लोग ऐसी बातें करते हैं। रुक। पर पापा ये उल्टी बात कर रहा है। जाने देना, झगड़ा क्यों करना? योजना के नाम पर लोगों को ठग रहा है। चलो चलते हैं। मेरी छोटी बहन मेरे माँ के पेट में ही थी, वक्त पे इलाज ना होने की वजह से वो मर गई। हॉस्पिटल बहुत दूर था इसलिए ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। पर असली बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई, जन्म और मृत्यु की डोर भगवान के हाथ में बंधी होती है और इस दुनिया का भगवान सिर्फ पैसा है। बचपन से ही छोटे छोटे काम करने मैंने शुरू कर दिए थे और इस तरह मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। पापा के ऑपरेशन में जितने पैसे लगने थे वो मेरे पास थे, पर इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे सपने घूम रहे थे और सपनों ने मेरी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। और पैसा कमाने के लिए मैं किसी के खिलाफ भी जा सकता था। पैसे कमाने के लिए नए नए आइडियाज में सोचने लग गया और इसी तरह एक दिन मुझे पैसे कमाने का नया रास्ता दिखाई दिया। वो रास्ता था दूसरी दुनिया में जाने का, उस दुनिया का नाम था गल्फ। Okay, thank you sir. You can join tomorrow. Next. Good morning sir. Yeah Prakash, your passport? Ye lijiye sir. Fine, look into the camera. Kya kaha sir? Look into the camera. Acha. Well, you should be signing an agreement for 3 years. Once the agreement is signed, you can start your work as soon as possible. Sir, English थोड़ा थोड़ा आता। Oh yeah, okay. Satish. Yes, sir. Satish, I think he's from your place. Okay. Can you explain him all the agreement terms? Sure, sir. Let him know that without our permission, he cannot go anywhere. Okay. 3 साल का agreement होगा और आप इनके permission के बिना कहीं भी नहीं जा सकते। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। Okay, with the terms, then sign here. वैसे तुम कहाँ से हो? गोदावरी। ईस्ट या वेस्ट? ना ईस्ट ना वेस्ट, तेलंगाना से हूँ मैं। तेलंगाना में गोदावरी कहाँ है? तेलंगाना में गोदावरी का पानी बहता है, पर ये बात आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता। अच्छा तुमने बता दिया। तेलंगाना के लोग बहुत दिलदार होते हैं। आओ चलो तुम्हें दुबई दिखाता हूँ। हाँ
कुछ बताओ इस दुकान के बारे में। 1980 में ये सब हमारे देश से मसाले लेकर आए थे और यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें डालकर अपना गुजारा करने लगे, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर केवल रेत और समुंदर ही हुआ करते थे। पर टूरिज्म का कभी न कभी फ्यूचर होगा ऐसा मानने वाला यहाँ का राजा जनता को अट्रैक्ट करके और यहाँ पर हर चीजें बनाकर इसे दुनिया का नंबर वन इंटरनेशनल टूरिज्म हब बना दिया। वो गोरे लोग धूप में क्यों बैठे हैं? वो सनबाथ ले रहे हैं। समुंदर में नहाने के बाद ऐसे लोग यहाँ पर सनबाथ लेते हैं। ये सब क्या यार? ये आए हुए फॉरेनर्स के वेलकम के लिए है। ओ। ये देखो, ये है बुर्ज खलीफा। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। क्यों प्रकाश? हाँ? लगता है तुम्हें दुबई का खाना जम गया। हाँ, मोटे दिख रहे हो तुम। The plate should be here and the tissue should be organized. Okay, madam. This is where we cook food using steam. Sir. Got it? Okay, sir. देखते देखते पूरा महीना बीत गया। इंडोनेशिया में आपने एक नई ब्रांच खोली है ना? यस। मुबारक हो। थैंक यू। इन फैक्ट वी आर प्लानिंग आवर एक्सपेंशन इन अदर कंट्रीज आल्सो। इंडिया विल बी आवर नेक्स्ट मूव। अच्छा सर। हियर इज योर सैलरी। शुक्रिया सर। फर्स्ट मंथ की सैलरी। कांग्रेट्स यार, पार्टी तो बनती है। सर, इसमें तो सिर्फ 1,000 दिनार है। मुझे तो 2,500 मिलने चाहिए थे। मैन, एज पर द एग्रीमेंट दिस इज व्हाट यू विल गेट। नहीं सर, 50,000 की बात हुई थी सर। चाहो तो आप एजेंट से पूछ लो। दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम। यू नीड टू चेक योर एग्रीमेंट फर्स्ट। लुक इनटू दिस, यू इलिटरेट फेलो। मैं नहीं मानता एग्रीमेंट को सर। मुझे मेरे पूरे 50,000 रुपए चाहिए। मुझे मेरे पैसे दीजिए। आप मुझे कम सिक्योरिटी दे रहे। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए और अभी चाहिए। सर, थ्रो हिम आउट। सर, मुझे मेरे पैसे दीजिए। ये मेरे साथ प्ले कर रहे हैं आप। सर, मैं ऐसे नहीं मानने वाला। आप मुझे मेरे पैसे दीजिए। चला, इतने कम पैसों की बात नहीं होगी। सिक्योरिटी, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। ओए, व्हाट हैपेंड? सर, एज पर द एग्रीमेंट ही विल गेट ओनली 1,000 dirham, बट ही इज आस्किंग फॉर मोर देन दैट। मुझे कम पैसे मिल रहे हैं सर। प्रकाश फ्रॉम इंडिया। जी सर। तुम इंडियन सब लेस सैलरी पर ही तो काम करते हो, तुम ज्यादा एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो ऐसे दूसरे कंट्रीज में जाकर गुलाम बनकर काम नहीं करना चाहिए, और अगर करते हो तो कुत्ते की तरह जो फेंकते हैं उसी पे काम करना पड़ेगा। इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गया है, लेकिन इंडियंस को नहीं। डिपेंडेंसी इज इन योर DNA। खुद के दम पर जीने के लिए तुम्हें और तुम्हारे देश को 1,000 साल लगेंगे। क्या दिया तुम्हारे देश ने दुनिया को? 0 के अलावा। ब्लडी इंडियंस, भौंकना बंद करो। मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कीजिए। मुझे यहाँ से वापस जाना है। You sign for 3 years। पासपोर्ट देगा या नहीं? पासपोर्ट दे मुझे। पासपोर्ट दे। हट, छोड़ मुझे। मेरा पासपोर्ट वापस कर वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। जान से बाहर जाओ। चुपचाप निकल। अब जिंदगी पूरा रेगिस्तान में ही बीतेगा। अब तू यहीं रह के मरेगा। चल। तुम सब बेईमान हो। हमारा हिंदुस्तान तुमसे कहीं आगे है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैं चिल्लाता रहा, पागलों की तरह चिल्लाता रहा, मगर चिल्लाते चिल्लाते मैं थक गया। बैठे बैठे अपनी किस्मत को ही कोसने लग गया। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, पर बार बार वो लोग मुझे पकड़ लेते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पैसे के लालच में आकर मैं वहां पर बुरी तरह से फंस चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही थी। वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मुझे पापा की याद आ रही थी। मैं उनसे मिलना चाहता था, दोबारा से उनके पास जाना चाहता था, पर सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं भगवान से बोल रहा था, या तो मुझे मार दो या मुझे यहाँ से कहीं और भेज दो। पर ऐसा लगने लगा कि शायद भगवान भी उस समय बहरा हो चुका था। हे प्रकाश, सुन, अगर हम कोई गलती करते हैं
तो वो घूमकर हमारे पास ही आती है। तुम्हारा गल्फ जाने का रास्ता मिल गया भाई। बताओ ना भाई। मेरे दोस्त को अर्जेंटली एक किडनी चाहिए। हाँ। कुछ ना कुछ करके 1,00,000 रुपए मैं तुझे दिलाता हूँ। पर पैसों के लिए मैं अपनी किडनी नहीं बेच सकता मेरे भाई। तुम्हें अपनी किडनी बेचने को किसने कहा है प्रकाश? तो फिर किसी और की मिलेगी क्या? देखना, दोस्त की, रिश्तेदार की, या गांव में से किसी की। राजू, रामू, गिरीश की। तेरा परिवार वाला होगा तो भी ठीक है। चाचा, सुरेश, मेरे पापा। हाँ, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों इतना सोच रहा है तू? 50,000 महीना, 4 महीने में निकाली हुई किडनी वापस डाल सकता है तू। मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे भाई। किसी अच्छे काम के लिए की हुई गलती गलती नहीं मानी जाती। आपकी रिपोर्ट आ गई है पापा। एक छोटा सा ऑपरेशन करना है। सब ओके है ना? हाँ। पापा अब ठीक हो जाओगे, डरना मत। भगवान ने मेरी बात सुन ली थी। उन्होंने सतीश को भेज दिया। सतीश और मधु की वजह से मैं इंडिया वापस आ पाया। अपने स्वार्थ के लिए मैंने अपने पापा को धोखा दिया था, पर मुझे एक बात का एहसास हो चुका था कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। इंसान को हमेशा मानवता का ही साथ देना चाहिए। पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी खुशियां नहीं खरीद सकते। जिसके पास सुकून है इस दुनिया में, वही सबसे ज्यादा सुखी इंसान है। वो जो आ रहा है वो प्रकाश ही है ना? लग तो वही रहा है। हाँ, वही है। दुबई गए तो 6 महीने ही हुए, इतनी जल्दी क्यों लौट आया? देखा ना, हमारे एमएलए जी का योजना नहीं चाहिए कहकर कुछ उखाड़ेगा बोलकर गया था ना। क्या उखाड़ा उसने? क्यों रे प्रकाश? वैसे भी लौट आया तो ठीक है, साथ में कुछ कमा के लाया है ये पता नहीं है। और वैसे भी उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। कौन? प्रकाश, तुम ही हो ना? मुझे लगा कि मैं अपने पापा को सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उनके गले लगकर मैं रोने लग गया। इतना इन्फेक्शन होने तक क्या कर रहे थे? सुनिए, पहले आप शर्ट पहन लीजिए। इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, तुम किसी और डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए ना डॉक्टर। इनका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। पापा का ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना था, जिसके लिए 2,00,000 रुपए की जरूरत थी। मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं निराशा में डूबा हुआ था, तभी मुझे उस दिन। अरे गिरी भाई। हाँ प्रकाश। कैसे हो भाई? मैं तो अच्छा हूँ।
धोखा खा के लौटा है, सच है क्या? हाँ भाई, खींच के एक देना चाहिए था ना एजेंट को। अरे जाने दो ना भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अरे तू तो बहुत बदल गया है रे, यहाँ क्या कर रहे हो आप भाई? तुझे पता है ना हमारे ONG कंपनी में जो फॉरेनर्स आते हैं उन्हें कोई भी परेशानी ना हो इसका ख्याल मुझे रखना पड़ता है। वो कुछ सैंडविच, बर्गर, ब्रेड, ऑमलेट बना के देंगे कहा तो उसकी वजह से मैंने इस बेकरी वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो बनाने वाला आज आया नहीं है तो दिमाग खराब हो रहा है यार। इतनी सी बात के लिए आप यहाँ पर क्यों आए? पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, सैलेड ही चाहिए ना, वो सब तो अपने गाँव में मैं बना दूंगा। सच में तुझे आता है? गल्फ में मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया लेकिन ये सब बनाना मैंने सीख लिया है भाई। अच्छा बना लेगा ना? इस बेकरी वाले से बहुत अच्छा बना के दूंगा मैं, मेरा यकीन करो। पापा पानी दूं क्या? नहीं रहने दो। वहां जो काम मैंने सीखा वो एक दिन मेरे बुरे वक्त में काम में आएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो कहते हैं ना, अवसर कहाँ से आपका दरवाजा खटखटाएगा ये आपको पता नहीं होता, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए तैयार हो ही जाता है। इस एल्युमिनियम फॉइल्स में पैक करने से खाना अधिक देर तक गर्म रहता है पापा। अच्छी पैकिंग की है यार, अगर उन्हें ये पसंद आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। जरूर पसंद आएगा भाई। मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। हाँ हेलो गिरी भाई। कौन गिरी? आप कौन है? मैं सतीश बोल रहा हूँ। अरे सतीश भाई। हाँ यार, तुम कैसे हो? हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? और ये बताओ सब ठीक है ना? आपकी मदद से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए ना। मेरी छोटी बहन मधु को जानते? हाँ, हो जानता ना? हूं। उसे विजय नाम के एक लड़के से प्यार है, वो मेरी चाची को बिना बताए रजिस्टर अच्छा? मैरिज करने वाली है, बस तुम्हें उसका विटनेस बनना होगा। ठीक है मैं संभाल लूंगा, मधु का नंबर मुझे भेज दीजिएगा आप। उसका नंबर मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। ओके ठीक है। ठीक है दोस्त, ठीक है रखता हूं। थैंक्स यार। हाँ हाँ गिरी भैया, उन्हें पसंद आ गया। ठीक है भैया, उन्हें पार्सल दो टाइम लगेगा। हाँ ठीक है भैया, टेस्ट बदलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बदलेगा, फूड कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। थैंक यू भाई। कौन से टाइम आऊं? आ सेम टाइम पे आ जाओ ना। ठीक है ठीक है, ठीक है रखता हूँ भाई। हाँ यस, ये ले। थैंक्स भाई। गलती सुधार कर जिंदगी में फिर से शुरुआत करने का जब आप सोचो तो उस वक्त जो मौका आपको मिले उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गिरीश भैया ने मुझे एक मौका दिया था, उस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं पूरी मेहनत करने लग गया। अरे चलो चलो, हमारा ही नंबर है नेक्स्ट। माला रख लिया है ना? हाँ मम्मी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। आप लोग कब तक आ रहे हो? ओके ठीक है, जल्दी आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। थैंक्स। थैंक यू मैडम। कहाँ है यार बिज्जू? थोड़ा साइड हुई है। अरे आप थोड़ा साइड हो सकते हैं। कहीं ये लड़की मधु तो नहीं? एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ सब ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है, और जो भी हो बताते रहना। हेलो विज्जू, हेलो स्विच्ड ऑफ। मधु तेरी तो मैं ए तुझे क्या प्रॉब्लम है? पीछा कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो क्या? क्या कहा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। आहा, दुल्हन के लिए वेट कर रहे हो क्या? नहीं। नंबर नहीं लग रहा है क्या? नहीं आएगी। उस विजय की तरह उसने भी धोखा दे दिया होगा तुम्हें। जाओ घर जाओ। मैं कहाँ जाऊँ मुझे खुद नहीं पता। मधु जी। हाँ जी, मेरा नाम प्रकाश है। ओ सॉरी, फोन में बात किया था, कभी देखा नहीं था। अरे आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? दुबई से कभी इंडिया वापस आ पाऊंगा ये तो मैंने सोचा नहीं था। वहाँ से निकालने वाली देवी आप ही हैं। देवी देवी कहने वाला, उस विजय ने मुझे धोखा दिया। फॉरगिव मी बेबी कहकर मेरा हाथ पकड़ेगा,
माफ कर देना डार्लिंग कहकर अगर मेरे पैरों में भी गिरेगा तो भी भरोसा नहीं करूंगी उस पर। अरे आप रोइए मत प्लीज। उसने पेरिस कहा, आईफिल टावर कहा, पैसा अकाउंट में डालते ही शादी में आए बिना उड़ा लिया, चोर कहीं का। हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो, आप पहले रोना बंद कीजिए। दिमाग खराब है तुम्हारा, कैसे बंद करूं रोना? ये ले लो। अब कहां जाऊंगी, कैसे जीऊंगी, मेरी चाची भी बहुत ही कमीनी है। देखिए आप परेशान मत हो, एक मिनट, हाँ फोन आ रहा है। हेलो कौन? सतीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना भाई। क्या हुआ यार, मधु का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो मधु का फोन, मधु जी ने अपना फोन ही तोड़ दिया भाई। पर कैसे? वो विजय भाई नहीं आए तो गुस्से में आकर उन्होंने। ओ शिट, ए वो बहुत ज्यादा जिद्दी है और वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है यार। अच्छा सुन, एक काम कर, तू कुछ ही दिन के लिए उसे अपने घर लेकर जा प्लीज। मेरे घर में? वो पेरिस और एफिल टावर की बात कर रही है और कहीं गुस्से में आकर मुझे मेरे घर समेत गोदावरी में न फेंक दे। मैं छुट्टी मिलते ही आता हूँ। आप समझने की कोशिश करो। इतनी सी मेरी मदद कर दे यार। आप मेरी बात तो समझो। हेलो सतीश भैया। मधु, उस विजय ने मुझे धोखा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा विजय ने ऐसा किया। पर अगर ये बात चाची को पता चली तो वो तुझे जान से मार देगी, इसीलिए तुम प्रकाश के घर चली जाओ। उसके घर रहना होगा बस। मधु, मधु मेरी बात सुनो। वेट, आई विल चेंज एंड कम। ये लड़की तो शहर में पली बड़ी है, ये मेरे गाँव में कैसे रहेगी? डोंट टच। एक तो जिद्दी है, ऊपर से प्यार में धोखा खाई है, क्या करेगी कैसे करेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। मैं उठा लूंगी। दीदी मैंने बताया था ना, गल्फ से जो मेरे पैसे आने वाले हैं वो यही मैडम दिलवाएंगी मुझे। देखा तुमने उसकी सफेद चमड़ी और छोटा निक्कर? बेचारी गरीब होगी शायद। कहाँ की गरीब, उसने कहा पैसे दिलाने आई है। ये बात राघव को बताना होगा। हाँ बताएंगे ना, बाद में मिलते हैं प्रकाश। हाँ दीदी ठीक है। ए मजाक लगा रखा है क्या, रेत में इतना दूर चलने के लिए मैं कोई ऊंट हूँ क्या? हमारे गांव में जाने का यही एक रास्ता है मैडम। रेत यहीं पर ही है ना, कार में गल्फ क्यों चला गया, इतना कष्ट क्यों उठाया? लगेज मैं उठाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, जैसी हम अपना उठा लेंगे। क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों रुक गए, चलिए आगे। मेरी चप्पल खराब हो जाएगी इसलिए देख रही हूँ, इस गंदगी में कैसे चलूँ मैं? मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे गांव के बारे में। बताया था तुमने, इतना फालतू होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंसान रहते हैं यहाँ पर, डांटे या मारे पर मेरी चाची का घर ही बेटर है। मैं चली जाऊंगी तो अंधेरा हो जाएगा, कैसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। कैसे एडजस्ट कर लूं, चप्पल या पैर कुछ ना कुछ तो गंदा होगा ही ना। क्या करूं, एक मिनट। हाँ कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आता हूं। हाँ तूने जिसके बारे में बताया था वो लड़की यही है क्या? हाँ देख। भले ही ये कोई भी पैतरा आजमा ले, गल्फ के पैसे नहीं मिलेंगे। वैसे भी पैसे दिलवाने के लिए क्या सीधा घर आ जाता है क्या कोई? वही तो। उनके बीच में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन हमें क्या करना है राघव? तुम्हारा क्या कहना है पुष्पा? काट के मिर्च मसाला लगा दूंगी, बता रही हूँ, समझ में आया क्या? कौन? प्रकाश है? हाँ मैं आ गया, आइए ना मधु जी। जिस काम से गए थे वो हुआ? हाँ पापा वो हो गया, ये सतीश भाई की बहन है, इनका नाम है मधु। मधु जी ये मेरे पापा हैं। हेलो।
प्रकाश वॉशरूम जी उस तरफ है, आइए ना। ये यहां पर है। रूफ डोर नो गीजर व्हाट इज दिस? हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। यहाँ क्यों, बाहर ही कर लेती हूँ। चार लोग दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, यहाँ तो कोई नहीं देखेगा ना। गाना गाते हुए नहाइएगा, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। मुझे गाना नहीं आता। मुझे आता है ना। हेलो, ठंडे जाओ। पानी खुले आसमान के नीचे शहर की लड़की आज ठंडे ठंडे पानी से मजेदार नहा रही है, मजे से नहा रही है। हे खुले आसमान के नीचे शहर की लड़की आज ठंडे ठंडे पानी से बड़े मजे से नहा रही है। ठंडे ठंडे पानी से लड़की जब नहा गाना क्यों बंद किया? तेरी नजर में है जादू ओ मधु, तेरी नजर में। कोई और गाना गा के सुना ना। हाँ, संडे हो या मंडे ठंडे ठंडे पानी से नहा लो मेरी जान। है संडे हो या मंडे ठंडे ठंडे पानी से नहा लो मेरी जान। है ढिक्का चिक्का 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 ढिक्का चिक्का 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 ढिक्का चिक्का 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 ढिक्का चिक्का 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 ढंटाने चिक्का 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 ढिक्का चिक्का 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 ढंटाने। पागल हो गई है क्या? ये शोर कैसा रे? लगता है वो गुस्से में है पापा। भूख से जान जा रही है, कुछ है क्या? हेलो। हाँ मैं लाता हूँ, मैं अभी आता हूँ पापा। ठीक है। हाँ। मधु जी थोड़ी बड़ी ड्रेस पहनिए ना प्लीज। मतलब क्या है, तुम्हारे पास जितना दिमाग है उतना मेरे पास नहीं है? और कपड़े नहीं है, सारे कपड़े मैंने पेरिस के लिए खरीद रखे हैं। समझ गया, कोई बात नहीं, आपके पास जो कपड़े वही पहनिए। ये लीजिए पापा। मधु जी बैठिए ना। पर बैठूं कैसे? अरे ये तो मेरी नई शर्ट है। हाथ हटाइए, मैं चावल डालता हूँ। रुको रुको। अरे डालने दीजिए ना मुझे चावल। कोई बात नहीं मधु जी। स्पून? नो स्पून, हाथ से ही खाना है। ठीक है। अब सैनिटाइजर खाने के बाद में ढो लूंगा, कोई बात नहीं। खाना ठंडा हो जाएगा, आप शुरू कीजिए ना। इसकी तो हिचकिचाइए मत, आप खाइए।
ए, देख के बनाना। क्यों दीदी, क्या कर रही हो? क्या करूंगी, मिट्टी पीस रही हूँ। ए, अधूरी दाढ़ी बना के क्या देख रहा है? हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे भाई, दाढ़ी बनाना। क्यों, कभी छोकरी नहीं देखी? ए, कब से बुला रहा हूँ तुझे। हाँ, ओ छुरी। हाँ, आज सुबह ही तो सब्जी काटा छुरी से। मैंने भी काटा। अरे चल ना, काम कर। छुरी नहीं, छोरी, लड़की। यहाँ जा रे, मैडम बुला रही है, जा। ए, रुक, इधर आ, जा। मैडम, बोलिए ना मैडम। इस गांव में किसी के पास मोबाइल है क्या? नाव वाले के पास है, लेकिन वो बहुत दूर है यहाँ तो। प्रकाश मोबाइल रिचार्ज करने के लिए टाउन गया है। हाँ। और मुझे अर्जेंटली कॉल करना है। हाँ। ₹100 दूंगी। 100? इतना अर्जेंट है तो लीजिए मैडम। पता था। सीरियल देखूंगी बोली थी तो फोन नहीं दिया। सफेद चमड़ी देख के कैसे लार टपकाते हुए दे रहा है। हराम ज़्यादा। तल तेरी। सपने देखना बंद कर। जो कोई रोग होगा तो उसे न लग जाए, इसलिए अच्छे से साफ कर रही है फोन। वो जलता है तुम उससे। थैंक यू। हेलो 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 विज्जू। कौन? मैं मधु। ओह शिट। हेलो हेलो, ए यहाँ नहीं बाबू। मैडम मैडम, बीच में मत रोकिए मैडम। कितने सुसु करता है। सिग्नल ही नहीं आ रहा, मुझे विज्जू से बात करनी है। हेयर नो सिग्नल, वहाँ सिग्नल कम मैडम। आइए। हेयर सिग्नल, स्टैंड स्टैंड मैडम। मेरा कॉल क्यों कट किया? तेरी तो उठा 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 ना, फिर कट कर दिया। वेस्ट फेलो, कमीना। पापा की तकलीफ बढ़ गई है, वो लगातार खांसते रहते हैं। घर गिरवी रख दिया मैंने, मैं क्या करता? दवाई के लिए मुझे पैसे कम पड़ रहे थे, पापा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। जितना जल्दी हो सके मुझे पापा का ट्रीटमेंट करवाना ही होगा, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। पापा, कुछ नहीं होगा आपको। मधु जी, सिग्नल आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। स्टे, 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 स्टे। मधु जी ने हॉटस्पॉट के जरिए लैपटॉप कनेक्ट करके अपना काम शुरू कर दिया। मधु जी, मधु जी आइए बैठिए, खाना खाइए। हाँ? खाना रेडी है। मुझे नहीं खाना, तुम लोग खा लो। जिद मत कीजिए मधु जी, खाना खा लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा खा लो बेटी, खाली पेट सोना अच्छा नहीं होता। पागल हो क्या, समझ नहीं आता है क्या तुम्हें?
भूख के बारे में मुझे नहीं पता क्या? मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? मना कर रही हो तो मान नहीं रहे। स्टुपिड्स। मधु जी, क्या कहा अभी आपने? अरे बाबा, तू शांत हो जा। क्या बोल रही हैं आप? उन्होंने खाने को पूछा तो आप इस तरह बिहेव करेंगे उनके साथ? वो आम आदमी नहीं, मेरे पिताजी हैं। उनसे ढंग से बात कीजिए, समझ में आया ना आपको? किसी और का गुस्सा आप हमारे ऊपर मत उतारिए मधु जी। आपने फोन तोड़ दिया, मुझे उल्टा सीधा बोला, हर बात पे गुस्सा करती हैं आप। गुस्सा मुझे भी आता है। इंग्लिश बोलना काफी नहीं होता है, अकल भी होनी चाहिए थोड़ी। इंसानों की तरह जीना सीखिए, हर कोई तकलीफ में है। ऑपरेशन नहीं किया तो ये मर सकते हैं। पर ये गुस्सा कर रहे हैं क्या? खुद की तकलीफ का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालना चाहिए। अब आइए बैठिए, खाना खा लीजिए, आइए बैठ जाइए प्लीज। खाना भी नहीं खाया, कम से कम दूध तो पी लीजिए। उस दिन के बाद से मधु ने हम दोनों से बात नहीं की। हमेशा अपने लैपटॉप पर बस काम करती रहती थी, हमसे बात नहीं करती। मधु जी, वेट, ये क्या है मधु जी? पढ़ो। प्रकाश, 2 lakhs, all as an international your girl's salary। उस पर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पापा को शायद बचा लूंगा। मेरे अंदर जीने की नई उम्मीद आ गई थी। लगा कि शायद मेरी गलतियों की सजा अब मेरे पापा को नहीं मिलेगी। मधु जी से हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर दी थी। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वो दीजिए। हमारे विचार भी धागों की तरह होते हैं, जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही ज्यादा उलझते जाते हैं। हमेशा सामने वालों की समस्या छोटी और हमारी समस्या बड़ी लगती है। जितना ऊंचा पेड़ होता है उसे उतने ही ज्यादा हवा की झोंकों का सामना करना पड़ता है, और ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जब समस्या बड़ी हो तो थोड़ी देर ठहर करके वक्त को गुजरने देना चाहिए, आगे का रास्ता अपने आप नजर आने लग जाता है। मधु जी, मधु जी, मधु जी, आपने जो पैसे दिए थे उससे मेरे पिताजी का इलाज हो गया। मैंने उस दिन बहुत कुछ गलत बोल दिया था, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। गलत नहीं, करेक्ट ही कहा था तुमने। धोखा खाया इस दुख के कारण, कहाँ जाऊं ये पता नहीं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आया। मैंने गलत बिहेव किया, I'm sorry। अरे सॉरी मत बोलिए, आपके आने से मेरी इतनी बड़ी समस्या हल हो गई, मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। दुनिया को नए नजरिए से देख पा रहा हूँ मैं। मेरे लिए तो सब कुछ सुना है, मेरे अलावा हर इंसान के समस्या का हल मिल रहा है। मैंने कौन सी दुनिया देखनी चाहिए और कौन सी देख रही हूँ। हमारे गांव में क्या आपको कचरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया? दिखाई नहीं देता क्या? देखेंगी तो जरूर दिखेगा आपको। आइए मेरे साथ, आइए ना एक बार, आइए ना मधु जी, आइए मधु जी। आइए मधु जी, जल्दी आइए। आइए,
प्रकाश, I'm so happy. Thank you so much. Hi मधु. Hi भैया. You will get your visa in 2 days. No भैया, I want to start a complete new life. I don't want to come to Dubai. Actually, I applied for a job. एक बार confirm हो जाए, तो मैं हैदराबाद आऊँगी. Good. हाँ. मधु जी. Thank you. प्रकाश. अरे सतीश भाई हाय. हे हाय प्रकाश, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ. और पापा कैसे हैं? पापा भी अच्छे हैं. ओके. हे, तूने इस पे कुछ जादू किया है क्या? ये बहुत खुश लग रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हे, वैसे वो 2 दिन में हैदराबाद चली जाएगी. मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा इनका. थैंक्स यार. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. ओके बाय. चलता हूँ मैं. कैच यू लेटर. ओके ओके बाय. मर गए तेरी बकरी. मधु जी, आपके हैदराबाद जाने के लिए अगर हम अभी टिकट बुक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बोलती हैं? हाँ. रुकिए, मैं टोकरी लेकर आता हूँ. एक मिनट. तो टोकरी लेकर आऊँ क्या? आइए. आराम से. तुम टेम्परेरी सोल्यूशन ही निकालोगे क्या? परमानेंटली कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्या? इंसानों में और जानवरों में कोई ना कोई अंतर होना चाहिए ना. प्रकाश, मैडम इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अपनी ब्रेड की कमाई से अच्छी रोड बनवाना. बनवाएगा ना, रोड ही क्यों, हवाई जहाज में बिठाएगा उसे, है कि नहीं भाई? मधु जी ने बिल्कुल सही कहा था. हम जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे. किसी और की मदद के भरोसे बैठना बेवकूफी थी. पर हम लोग क्या करें, इस बात से हम बिल्कुल बेखबर थे. पर मधु जी की बात मुझे बार बार चुभ रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कुछ करना होगा, तभी इस गांव में बदलाव आ सकता है. मेरे गांव में करने के लिए कितना कुछ था. मैं क्यों दुबई गया और वहां पर इतने सारे कष्ट उठाए? करने के लिए तो मैं अपने गांव में ही बहुत कुछ कर सकता था. मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था. एक तरफ दुबई था और दूसरी तरफ मेरा गाँव. दुबई इतनी साफ सुथरी और मेरा गाँव इतना गंदा. उसी दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया. मुझे लगा कि छोटा ही सही, पर मेरे प्रयास से बदलाव जरूर आएगा. मैंने गल्फ में जो देखा, क्लीनिनेस, नीटनेस, उससे संबंधित मेंटेनेंस पेपर लिख दिए हैं. मधु जी की मदद से मैं इसके लिए अप्लाई भी कर सकता हूँ. प्रकृति, उसके साथ साथ हमारा गांव डेवलप होगा, यही मेरी आखिरी इच्छा थी और उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा था. आपको पता है सर, संगमम और बौद्धारमन घूमकर जाने वाले टूरिस्ट हमारी लंका से जरूर होकर जाते हैं. अगर उनके लिए एक रिजॉर्ट का इंतजाम कर दिया जाए तो वो लोग यहाँ पर आसानी से रुक सकते हैं और इससे हम सबको बहुत फायदा होगा. मुझे लगता है इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है. बस फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए. थोड़ा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेत बहुत ज्यादा है. ये सब काम इतनी आसानी से नहीं हो सकता. दुबई भी एक समय हमारे गाँव की तरह ही था, पर उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे गाँव की पहचान बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा. इसका पूरा प्लान मैंने रेडी कर लिया है सर. रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ. मधु जी. कौन है बेतू? तू साधारण वोटर है. पेपर पर 4 चित्र बनाकर पैसे ले जाना मतलब अपने बाप की किडनी बेचकर दुबई जाने जैसा, समझाए क्या? हाँ? ये दुबई गया था तो कुछ नहीं हुआ. वही अगर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाता तो हमारी हालत क्या होती? तुम्हारे स्थायी लोगों के लिए ऐसी सोच बहुत बुरी है. ये तुम्हें जलाकर राख कर देगा. वोट डालने का हक जिनके पास है वो गुलाम हो तुम सब लोग. दिमाग को जीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, प्रगति के लिए नहीं. हम जब तक देंगे नहीं तब तक आशा रखनी चाहिए. ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए. आशा रखने का अधिकार तुम्हारे पास है नहीं और ना ही आएगा. इतनी तकलीफें झेलकर दुबई घूमकर आया, इसकी क्या जरूरत थी? इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही एक गांव है क्या? बिंदु को सितारा समझ लेगा? गंदा बिंदु. वो गंदगी क्लीन करने के लिए, प्रगति के लिए हेल्प मांगा था. तू क्यों इसकी इतनी फिक्र कर रही है? ये तुझे ज्यादा पसंद आया? बिना शादी के एक औरत मर्द के साथ रहती, उसे क्या कहते हैं पता है? धंधे वाली. यू, एक औरत से बात करने की तुझे तमीज भी नहीं आती क्या? दोबारा ऐसा बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा मैं.
तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारा गांव आज तक पिछड़ा हुआ है। तुम दीमक हो। प्रकाश, मेरा कॉलर पकड़ेगा। प्रकाश नहीं, प्लीज प्रकाश नहीं, उसे छोड़ दो, छोड़ दो प्रकाश। प्रकाश नहीं, इसे छोड़ दो, मुझ पर हाथ उठाएगा? नहीं, इस गांव की भलाई का सोचकर मैं तेरे पास आया था, तुझे सिर्फ अपना फायदा चाहिए। छोड़ो, तू हर चीज में अपना फायदा देखता है। तू चाहता है गांव के लोग गरीबी रेखा के नीचे ही रहें। ये सब मैं खत्म कर दूंगा। ले कर जाओ इसे। तू चाहे कुछ भी कर ले, सच्चाई को नहीं हरा सकता। चल जा। मधु जी छोड़ो मुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। चल प्रकाश, अपने गांव को मैं खुद सुधार लूंगा। मेरे गांव के लोगों को अब तेरे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। सर फोन। राघव, राघव मैं अभी भी एमएलए के घर से आ रहा हूँ। भगवान समा रामायणा को गाली देता है क्या? गल्फ में जो हुआ उससे तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। ये राघव की बात भी नहीं मानेगा। इस गांव में किसी को भी सरकार की योजना मिलेगी नहीं। एक गंदी मछली होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा करती है। वैसे ही हम सबको क्यों घसीटा हरामजादे? तुम्हारी समस्या है क्या? तुम्हारे लिए तुम्हारे गाँव के लिए इसने मार खाया, तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचा। छी, तुम जैसे स्वार्थी लोग मैंने कहीं नहीं देखे। हाँ नहीं देखा, तू मादर टेरेसा है और ये महात्मा गांधी है। टेस्ट करवाना है बोलकर खुद के बाप का ही किडनी बेचने वाले को बगल में रख के हमें स्वार्थी बोल रही हो? पैसों के लिए गंदा काम करने वाली तू खुद को सती सावित्री समझती है? खुद के पिता को धोखा देने वाला सत्यवादी हरिश्चंद्र है ये। अच्छी जोड़ी है। ये यहाँ रहेगा तो हमारा नुकसान ही होगा, निकालो इसको गाँव से बाहर। क्या हुआ रे, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, तेरे बेटे को सच्चाई के राह पर चलने के लिए गांव से भगा रहे हैं। निकलो यहाँ से। पापा, सोच क्या रहे हो हैं? भगा दो इन्हें, जाओ जाओ, तुम लोगों से ही कह रहे हैं, निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, चलो। चल निकल यहाँ से। अरे चलो निकल। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ही देश में, मेरे ही गांव में, मेरे लोगों के बीच मैं अब पराया हो गया था। कभी ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। मैंने इन सब का भला चाहा और इन्होंने मुझे ही निकाल दिया। मैं तो इनकी भलाई के लिए लड़ रहा था, अब मैं इनसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैंने इनका भला चाहा और इन्होंने मुझे ही मेरे गाँव से निकाल दिया। अब मैं एक नए सफर में आगे बढ़ूंगा अपने पिता और मधु के साथ। प्रकाश,
खुश। गोविंद जी, प्रकाश, गोविंद जी, गोविंद जी, प्रकाश यहीं पर था ना, अभी नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है, वहां देखिए आप। प्रकाश, 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 ये ऊपर वाले ये कोई गलत कदम ना उठाए, उसकी रक्षा करना। प्रकाश, आ, 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 प्रकाश, 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 ए, ए प्रकाश, प्रकाश, कहाँ चले गए थे? खाने के लिए कुछ सामान लाने गया था। बहुत फिक्र हो रही थी हमें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आइए चलिए। थैंक्स। मुझे माफ कर देना पापा, गल्फ से जब मैं वापस आया था तभी मैं आपको ये बात बताना चाहता था। पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। टेस्ट के नाम से किडनी बेच रहे हो, मुझे उसी दिन पता चल गया था। पिता होकर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, कम से कम इतना तो काम आया मैं तुम्हारे, उसी की खुशी मिली मुझे, दुख नहीं हुआ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उस गलती को सुधारने के लिए तुमने कितना संघर्ष किया मैं जानता हूँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने। वैसे भी तुमने पिता का एक बच्चे की तरह ख्याल रखा है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, रो मत। बिना सोचे समझे बातें बनाना, यही तो काम है लोगों का, वहां ध्यान मत दो, फिक्र मत करो। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। मैंने प्लानिंग करते वक्त भी देखा था, वैसे वो झोपड़ा किसका है गोविंद जी? चंदू नाम के एक अच्छे इंसान का है, कुछ सालों पहले एमएलए के खिलाफ गया था इसलिए उसे गांव से बाहर निकाल दिया था, यहीं पर झोपड़ा बनाकर रहता था। अब इतने सालों बाद इसने विरोध किया है तो हम भी यहीं पर रहेंगे। कितना बेशरम है ये। वही तो, फिर से गांव में आ गई ये बेशरम। हाँ, क्या हुआ, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? वैसे भी क्या है बोलने के लिए, गलती किया पता चल गया, तुम्हारे पिता ने माफ भी कर दिया, बीच में किसी को क्या फर्क पड़ता है। सुनो, तुम्हारे कैरेक्टर को जज करने वाली होती तो तुम्हारे पीछे क्यों आती? हाँ, अभी तुम्हें फिक्र करनी चाहिए, जो गलती किया उसके बारे में नहीं, जो आगे है उसके बारे में। मैं अब क्या कर सकता हूँ, एमएलए, गांव वाले सब यही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा,
शायद मुझ में ही कोई कमी है। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सामने वाले कह रहे हैं तो गलत नहीं है, पर तुम खुद सोचोगे तो गलत है। हम दोनों की समस्या एक ही है प्रकाश, किसी पर निर्भर होना। मेरा विजय पर, तुम्हारा एमएलए और गांव वालों पर। मुझे बदल दिया, इट्स योर टर्न नाउ। मधु ने एक बार फिर से मेरी हेल्प की, मुझे मेरी शक्ति का एहसास दिला के मुझे खुद पे भरोसा करना होगा। तिनका तिनका करके एक बार फिर से घरौंदा बनाना होगा और एक बार दोबारा कोशिश करनी होगी। मैं फिर से कोशिश करूंगा। अरे अरे रे रे, हाथ में जो पैसे थे वो चले गए। अरे अरे रे रे, रोड पे रहना पड़ रहा है हमें, जो कुछ था वो चला गया, सब कुछ चला गया हमारा। रामैया जी के खिलाफ जाने की सजा, यही तो सजा मिली है हमें। सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है, रमैया के पैरों पर गिर जाओगे तो अपना घर तुमको वापस मिल जाएगा। सुनाई दिया ना मैं क्या बोला? सुनाई तो दिया होगा। अपमान सहने की मुझे आदत पड़ चुकी थी, लाइफ को फिर से शुरू करना होगा। मेरे पास जो पैसे हैं उन्हीं से फिर से फूड पार्सल का काम शुरू करूंगा। अब मैं शहर जाऊंगा। मैं करता हूं ना पापा, आप छोड़िए। कोई बात नहीं, सब ऐसे फेंकने के बजाय कवर में डाल सकते हैं ना। अरे बाद में मैं साफ कर दूंगा ना। वाओ, अच्छा लगा। गांव वालों की बातें सुनकर गिरी ने मेरे फूड पार्सल लेने बंद कर दिए थे। मेरे सामने फिर से एक बार अंधेरा छा गया था। मधु जी, कल मैं आपको टाउन लेकर जाऊंगा। मेरे कारण आपको फालतू में तकलीफ उठानी पड़ी। तीश भाई से कल बात करूंगा। जब जाने का मन होगा चली जाऊंगी। यहां हूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे जैसे ही जॉब कंफर्मेशन मिलेगी मैं खुद ही चली जाऊंगी। ठीक है प्रकाश। हाँ? तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, मैं एक बार भैया से बात करके तुम्हारे लिए अमाउंट अरेंज करती हूँ। ऐसा मत कीजिए। अरे तुम सेटल होने के बाद लौटा देना। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। पापा, गिरी भाई मान जाएंगे क्या? मैं बात करूंगा, फिक्र मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग गिरी भाई। क्यों गिरी, कैसे हो तुम? आजकल पार्सल लेने नहीं आते हो? अरे किडनी बेचने के लिए मैंने ही कहा था इसे। क्या करता, ना हमारे पास पैसे है ना जायदाद है, इसलिए मैंने कहा बेच दो। पैसे के लिए किडनी बेची, ये कोई महान काम तो नहीं किया ना, इसलिए नहीं बताया। पर अब सबको पता चल गया। तो यही बात गांव वालों को कहकर वही रह सकते थे ना? जो सुनना चाहते हैं उन्हें बता सकते हैं, लेकिन मूर्ख लोग जो आंखें बंद करके बैठे हैं उन्हें कैसे बताएं? मान जाने के लिए थैंक्स गिरी भाई। ये लीजिए। चलता हूं मैं। हाँ। वैसे हाँ। गोरो के साथ साथ उनकी फैमिलीज भी आने वाली है, और थोड़े बर्गर्स एक्स्ट्रा बनाना। ठीक है गिरी भैया। अच्छा गिरी भैया। हाँ? उन्हें एक बार यहां पर लाइए ना गिरी भाई। हाँ। यहाँ यहाँ क्या है यार, जो रुककर यहाँ खाए रेत के अलावा। आप एक बार लेकर तो आइए, मैं उनके खाने का बहुत अच्छा इंतजाम करूंगा यहाँ पर। तू तो कर लेगा, अगर लाइट एनरे के विरुद्ध जाकर मैंने बोट रोक ली ना तो मेरी तो नौकरी चली गई। ठीक है चल देखते हैं। भद्राचलम राम जी के दर्शन करने वाले बहुत लोग परणशाला और
पापी कोंडाला जैसी जगह जाते रहते हैं। हमारे आसपास के गांव में जो बुद्धारमम और संगमम को टूरिस्ट देखते हैं, उन्हें अगर हम इस लंका तक ले आए तो धीरे धीरे टूरिज्म में बढ़ावा होगा, ये मेरा विचार है। घुटते हुए समय में सांस भरने वाली हवा का काम किया था गिरी भैया ने। ONG के वर्क के लिए आने वाले फॉरेनर्स को यहाँ लाने से मुझे एक बात की तो श्योरिटी थी कि यहाँ के लोगों को उससे बहुत फायदा मिलेगा। मैंने गिरी भैया से रिक्वेस्ट की है कि वो एक बार, बस एक बार फॉरेनर्स को यहाँ लेकर आ जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि गिरी भैया मेरी बात को नहीं टालेंगे। फॉरेनर्स यहाँ पर रुके उसके लिए मुझे कुछ नया करना था और मैंने वो कर दिया। और फिर मैंने मधु जी को आवाज लगाई, मधु जी बाहर आई है। मुझे उम्मीद था कि ये उनको पसंद आएगा। वाओ, नारियल के पत्तों से वेलकम आर्च बनाया तुमने। पुरानी कुर्सियों को पेंट करके सन बाथ लेने के लिए कुर्सी बनाई है। सुपर्ब थॉट। अरे, घर को पेंट भी कर लिया? हाँ, कैसा लग रहा है? ए, सैंड सोफा। अच्छा लग रहा है ना? सेटअप बहुत बढ़िया बनाया है। प्लीज गॉड, प्लीज बोट रुकवा देना। मैं वहां जा रही हूं। ठीक है। सर, दिस इज मीटिंग पॉइंट फॉर रिवर एंड ओशन। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड वी कॉल इट एज संगमम। संगमम। डू पीपल फिश हियर? सम पीपल डू सर, प्लेंटी ऑफ फिशेस। वाओ, नाइस नाइस। बोट जा रही है। नॉट मेनी पीपल स्टे हियर सो, बट वी कंसीडर दिस प्लेस वेरी होली। अब क्या करें प्रकाश? This is my first holiday in 3 months. Hey, Gri, what's that arch? Oh, that you want to go there? Yes. Yes. Welcome, Atithi Deva. Thank you. Wonderful. Welcome, flowers sir. For my wife. Thank you. Aiye na. Welcome, sir. Welcome, Aiye. Ma'am. Thanks, dear. This place is so nice. रेत के अलावा क्या है सोच रहा था? पर तूने रात तो रात जादू कर दिया यार। आखिर तूने साबित कर दिया। शुक्रिया। Wow. Wow. This place is too good to be true. Everything seems perfect. Wow, brilliant. How many surprises this place have? I'm going to relax here totally. It was a long drive. Madam, your food. Yeah, I'm hungry. Thanks a lot. Thank you, madam. Bon appetit. It's full of flavor, yummy. They have used some mild spices, which enhance the taste. I like the serving on a leaf instead of the plastic. Roger, is everything okay? All fine. Are you comfortable? Yes, very much. Okay. It's simply superb, Gree. Whose idea is it? His, ma'am. Great job, man. What's your name? Prakash. Prakash, which university you are from? No university study. What? 8th class, madam. Keep going, Prakash. World will recognize your hard work. Definitely. ऐसे ही मेहनत करोगे तो दुनिया तुम्हारे हार्ड वर्क को पहचान लेगी। Let's see around, Janice. Sure. Come on. Hi, come with me. Let's play. Okay. Come. Sit. Okay. Come, darling. Are you okay? Yes, very much. What is he doing? Some natural therapy. Aram se sit.
Come, it's actually a very good game. Thanks, Coach. Come on, take this toy. Okay. Throw it there. Yes, come on, come on. Oh, ooh. Come again. Yeah. Yeah. Oh. High five. I wish I could stay back here. It's good to sit here. Sir, okay. Yes, how much money for this? No money. Upar wale ka diya hua hai. Free. Wow, it's a wonder. Oh my God, is it free? हाँ, ऊपर वाले ने दिया है. It's so wonderful, wow. Excuse me. हाँ. Do you have any Indian food? Sorry, ma'am. We thought you would be comfortable with these food, so. Of course we are, but we want to explore authentic Indian food also. Oh, that's great. वो हमारा फूड भी ट्राई करेंगे कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम वो आने से पहले ट्राई करेंगे हाँ ठीक है ना या श्योर वी विल बी हियर फॉर फ्यू मोर डेज डेफिनेटली वी वुड लव टू कम मैम व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम वी विल सर्व यू द मोस्ट ऑथेंटिक इंडियन फूड कुछ कंट्रीज अपने जीडीपी को जनता के हैप्पीनेस से तोलते हैं ऐसा मधु जी ने बताया खुशी को पैसे से तोलना सच में कितनी महान बात है This is for your God. इसीलिए हमारे अतिथि देवों के दिए हुए एहसास और खुशी की कीमत नहीं लगानी चाहिए यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए थे उन्होंने खुद ही बोट को रोकने के लिए कहा था ऐसा कमाल किया है आपके बेटे ने अब आगे से और ध्यान से काम जी भैया बाय 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 अच्छा लगा मुझे कॉन्ग्रेट्स जो सोचा था वो हासिल किया तुमने नहीं मैंने तो बस कोशिश की है मधु जी दिल से किया हुआ कोई भी काम अच्छा ही होता है थैंक्स लोग कहते थे गोरे दोस्ती और रिश्तेदारी नहीं निभा सकते मैंने सच मान लिया था लेकिन बिल्कुल झूठ है वो भी हमारी तरह इंसान ही तो है सही कहा पापा अच्छाई और बुराई इंसानों में होती है प्रांत और धर्म में नहीं होती सभी लोग एक जैसे हैं इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को अलग नहीं किया जाना चाहिए दीदी मटके चाहिए थे कितने पैसे हुए दूसरों के लिए 100 पर तेरे लिए 150 ये लो हमारे फूड को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने आसपास के गांव से और ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर दिया था ये उस वेस्ट विजय के लिए थे फिट होगा तो पहन लो लो थैंक्स मधु जी हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए ना ये जीवी क्या है मधु बुलाओ हाँ हाँ मधु जी मधु मधु गुड जल्दी से रेडी हो जाओ प्रकाश तुम रुको मैं जाती हूँ ये पहनो ये नंबर का है नंबर नहीं स्टाइल ओ हाय हेलो हेलो हाय स्वीटी वी आर बैक अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव थैंक यू व्हाट डज इट मीन द गेस्ट आर इक्विवेलेंट टू गॉड ओह फाइन थैंक यू नमस्ते वेलकम मैम थैंक यू नमस्ते 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 मैम क्यों भाई लगता है तूने फिर से कोई जादू कर दिया बस भैया ये सब कुछ मधु जी ने ही किया है हां भैया सोचा सब मैंने पर सब किया प्रकाश ने वो दोनों चीजें होंगी तभी ना कोई भी काम तभी पूरा होता है जब आप उसे पूरी लगन से करो आओ ना भैया खुशी हुई मुझे Glad we found we this spend place the whole day yeah. here yeah yeah me too relax relax just leave me here tom you can go back to the hotel yeah totally agree wish they could arrange our stay here My legs feel so relaxed.
I'm so happy to be here. Yeah, me too. Oh yeah, I will come here again. Namaste. 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 Tick tick vula, 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 tick tick vula. And now you find it. हम सब के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो बाहर निकलकर खेलना चाहता है. यहाँ आने वाले टूरिस्ट को एक ऐसा माहौल मिल सके, इसीलिए हमने उन्हें ये सब कुछ प्रोवाइड किया ताकि वो यहाँ पर पूरी मस्ती के साथ खुद को एंजॉय कर सकें. उनके चेहरे पे आने वाली खुशी ही मेरे लिए सब कुछ थी और मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था. ये गोरे यहाँ रिंगा रिंगा करने आ गए. देखना. हाँ वही तो. देखो उधर. This time we have prepared Indian food for you. I absolutely love the Indian food. Ma'am, please try this desi murgi and bombli fry. Such variety of food on this island. So true. Thank you. How is it, sir? Indian food is world class. Oh, thank you, sir. Try that food. This food is too good. Yeah. Thank you. So yummy and tasty. Say cheese, everybody. Superb. There you go. Cooking, please. Come. Everything is fine. Except this dirty ambience. So bad. Ew! I would not have eaten here if I had seen before. Sorry, madam. I'm really sorry. मैं इसे साफ कर दूंगा. आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. मैं प्रॉमिस करता हूँ. He's apologizing and assuring that the whole ambience will be clean when you visit next. Please trust him. We're please, really please. Sorry it's for okay. the inconvenience. Please, sorry. We will clean entirely. Okay. Yeah. It's okay. Okay, Prakash. Try to clean up. All right. Yes, sir. Yes, Thank sir. Thank God. You, sir. Thank you so much. Yeah, yeah. Come. Okay. Let's go. Aye. Please come. We should give them a chance. पहले ही साफ कर देते तो अच्छा होता. गलतियों के पापा. अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा. कचरा अगर डालते नहीं तो क्लीन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. चेंज योर हैबिट्स. हाँ गिरी भाई, कल तक हो जाएगा. गिरी भाई सुन, उन्होंने हमारे गांव को गूगल पर सर्च किया. वो कचरा और दुष्ट लोग देखकर वो हमारे गांव में आने के लिए डर रहे हैं. ऐसा नहीं है कहकर मैंने मैनेज तो कर लिया. इस बार वो आने से पहले गांव में भी कचरा ना हो, इस बात का ख्याल रखो. ठीक है. इस कचरे के अलावा वो गांव का कचरा भी साफ करवाना चाहते हैं. इतना कचरा उनके आने से पहले कैसे क्लीन करेंगे? कम से कम एक हफ्ता या 10 दिन लगेंगे. क्लीन तो करना पड़ेगा पापा, तभी फॉरेनर्स हम पे भरोसा करेंगे. अपने गांव के लिए मैं कुछ भी करूंगा. वही तो. कैसे? बहुत टाइम लगेगा इसमें. और कोई उपाय नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा. प्रकाश भैया, कचरे में क्यों हाथ डाल रहे हो? ये प्लास्टिक 10 रुपए किलो है. 10 रुपए का किलो? हाँ. 2 केजी का कितना होगा? 3 केजी का कितना होगा? उसने ऐसा क्यों कहा? आपको देखते जाइए. Hmm.
ये लो पैसे। थैंक्स भैया, चलो रे। गांव को क्लीन कर दिया। अब आने वाले फॉरेनर्स के लिए रात को स्टे करने के लिए मुझे टेंट लगाने थे। मैं चाहता था कि उनको गर्मा गर्म खाना दूं, इसलिए मैंने एक किचन डिजाइन किया था। इसका नाम रखा सी किचन। अलग अलग मैंने हरी सब्जियां लगाई और कुछ मसाले भी लगाए। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वो भी मैंने वहां पर रखे ताकि मेरा टाइम बहुत सेव हो सके और खाना लोगों को पसंद आए। सब्जियां काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड रख लिया। बचा हुआ कचरे को डस्टबिन में डाल दिया। मधु जी ने आदत बदलने के लिए पहले ही कहा था, तो उनकी मदद से और यूट्यूब में देख कर मैंने अपनी आदत बदली और अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख लिया। ये क्या गांव से क्यों आ रहे हैं? अरे वहाँ तो देखो। अरे इसीलिए तो प्रकाश भैया ने पूरे गांव का कचरा हमसे साफ करवाया। हेलो, कैन यू गाइड अस टू अतिथि देवो भवा? यही है, जाओ सीधा गोदावरी में। पार्डन मी, नॉट दिस साइड, दैट साइड। व्हाट? गो मैडम, दिस साइड। थैंक यू, लेट्स गो। थैंक्स यू। आजकल प्रकाश को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये प्रकाश जो है ना तरक्की कर रहा है। तू झक मार रहा है क्या? बात ऐसी है रमैया जी, असल में प्रॉब्लम दोबारा मुझे फोन मत करना, मैं देख वो ग्लास मुझे दो। मैंने भी सोचा था कि अपने गांव में खुशहाली आएगी, पर छोटी सी रुकावट आने पर मैं रुक गया। जो सोचा उसे हासिल करके दिखाया। रुकावटें आई पर उसका हिम्मत से सामना किया तुमने, और इस सफर में मैं भी तुम्हारे साथ रहा इसकी खुशी है मुझे। पापा। हाँ। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं पापा। मुझे फक्र है कि आपने मुझे जन्म दिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे पिता हैं। सब अच्छा चल रहा है, जैसा सोचा था टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। इतना काफी नहीं है, हमें गांव वालों की हेल्प लेनी होगी। वो हेल्प करेंगे तो टूरिस्ट ज्यादा आएंगे और पैसा भी आएगा। इस तरीके से हम गाँव की भी हेल्प कर सकते हैं। उस MLA को हम कौन है ये दिखा सकते हैं। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, वो सब मैं भूल गया। मेरे लिए तो मेरे गांव की प्रगति ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो उधर। राघव, रुको, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं राघव, रुक जाओ, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो? हट जा। मेरे के खिलाफ जाकर तस्करी करना चाहते हो? नहीं राघव, क्या कर रहे हो तुम सबको? अरे क्या कर रहे हो? मत करो ऐसा, क्या कर रहे हो? क्या? अरे मत करो, प्लीज मत छोड़ना, सब मत करो ऐसा। एक भी मत छोड़ना, इस महीने राशन भी नहीं दिया। तोड़ दे, सब तोड़ दे। इधर आके धंधा कर रहे हैं? ये धंधा करने का जगह है क्या? तेरी तो रुक, नहीं बात, रुक जाओ। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, छोड़ना मत कुछ। ये सब बर्बाद कर रहे हो? अरे रुक।
हे रुक जाओ। रुक जा, हट यहाँ से। सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। क्या कर रहा है तू? अरे क्यों कर रहा है ऐसा? ऐसा रुक, नीचे रख। ये सब क्या कर रहे हो? मेहनत से बनाया है हमने। हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। हे भगवान, अरे क्या हासिल करना चाहता है? वोट डाल सब। तेरे कारण, तेरे बेकार के होटल के कारण हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है, मैं भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। छोड़ो मुझे। तुम ऐसा करोगे तो मैं और मेरे लोग गरीबी रेखा के ऊपर चले जाएंगे। हमारी जिंदगी रोड पर आ जाएगी। सरकार से किसी योजना की मदद नहीं मिलेगी। तुझे ऐसी प्रगति नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। क्या बोल रहे हो? जानते हो क्या बोल रहे हो तुम? वो एमएलए तुम्हें योजनाओं के नाम पे बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं करता। अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो एमएलए का राज खत्म हो जाएगा। डर, ये जो डर है ना, ये डर ही उनकी ताकत है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे एक बात बताओ, हम उन्हें वोट देते हैं, जीतने के बाद क्या वो हमारी तरह राशन लेते हैं? क्या वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं? नहीं करवाते, वो पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कभी सोचा इसके बारे में? कीड़े मकोड़ों की तरह हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। बस कोई जवाब है तुम्हारे पास? 70 साल हो गए हमें आजादी मिले हुए, लेकिन पार्टियां बदल गई मगर हमारी जिंदगी नहीं बदली और ना ही कभी बदलेगी। वो लोग हमारे लिए कुछ नहीं सोचते और ना सोचेंगे, यही कड़वा सत्य है। 70 सालों से हमारे देश में सब होता आ रहा है, आने वाले 100 सालों तक यही होता रहेगा। कोई हमारा भला नहीं चाहता है। यही सारी बातें चंदू भैया ने भी कही थी तुम लोगों से, मगर तुम लोगों ने नहीं सुनी। वो बात दोबारा से मैं कह रहा हूं आज, अगर सुनोगे तो अपनी जिंदगी को सुधार पाओगे, कुछ कर पाओगे। नहीं तो 100 साल और बीत जाएंगे और तुम लोग ऐसे ही राशन कार्ड, बिजली, पानी के लिए एमएलए को वोट देते रहोगे। धिक्कार है तुम पर। आज तक एमएलए का ही फायदा हुआ, कभी गांव वालों का फायदा हुआ है क्या? बोलो। तुम लोग जितनी बार तोड़ोगे मैं उतनी बार बनाऊंगा। तुम लोग तोड़ते जाओ और मैं बनाता जाऊंगा। तोड़ो, आगे बढ़ो। सॉरी प्रकाश भैया, माफ कर दे यार मैडम, गलती हो गई। वो गुस्से में हमने तोड़ दिया। कोई बात नहीं दीदी, आप लोग आ गए मेरे लिए वही बहुत है। वेलकम टू अतिथि देवो भव। मैं जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगा यार, पर तुझसे मांगना चाहता हूँ। गलती हो गई, माफ कर दे यार। जब कर रहा था तब वो गलत नहीं लगा, पर बाद में समझ आया तेरी मेहनत पर पानी फिरने का कारण मैं ही हूं। पर तेरी हिम्मत को मैं तोड़ नहीं पाया। कल तूने कहा था ना, वो बात मुझे सच लगा। उससे मेरे अंदर कितना बदलाव आया तुझे नहीं पता। कैसे यार, तू भी हमें से ही एक है ना। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और मैंने पूरे गांव के बारे में सोचा। बस इतना सा फर्क है। आज से मैं भी तेरे जैसे मेहनत की रोटी खाऊंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ठीक है यार, माफ कर दे यार। Pum 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 p
हमारे गांव के बारे में पेपर में आर्टिकल आने के बाद लोकल टूरिस्ट ने भी यहां पर आना शुरू कर दिया था। Hey. हाँ सर। Please come here. Can I get some fresh steam corn? क्या कहा सर? You don't understand? Let it be. छे. देखो फॉरेनर्स के साथ कैसे बात करना है, उन्हें कैसे समझाना है, ये वीडियो में देख सकते How हो। How do you do? प्रकाश भैया, हाँ? वो सर को नूडल्स विद एक्स्ट्रा सॉस। One corn cup, please. Yeah, sure. Definitely, Make it sir. First, please. Okay, sir. Prakash bhaiya, one corn cob with cheese. Haan, okay. Thank Welcome, you. Welcome, sir. Appreciate it. Hey. दुनिया से हम नहीं जुड़ पाए थे, उसकी वजह थी सिर्फ कम्युनिकेशन, और आज हमने उस सीमा को भी लांग लिया था। नमस्ते। अतिथि देवो भव। प्लीज कम मैडम। श्योर। वेलकम सर। अतिथि देवो भव। नमस्ते। पम 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 चिंता हम सारी करें क्यों किसी बात की चिंता जनता हम तो हैं हमको है फर्क न पड़ता चिंता हम सारी करें क्यों किसी बात की चिंता जनता हम तो हैं हमको है फर्क न पड़ता हमारे गांव वालों ने योजनाओं का लाभ उठाना बंद कर दिया और वो सब अपने पैरों पे खड़े हो गए थे कोई भी आए हमको सब कुछ है जनता गो गो गोरे खो जाए ऐसी है अपनी क्षमता सबसे कह दूं ऐसी नहीं कोई दुनिया आए यहाँ जो यही कहो गया चिंता हम सारी करें क्यों किसी बात की चिंता जनता हम तो हैं हमको है फर्क न पड़ता This is called Eco Kitchen. It provides fresh food instantly. हमारे इको किचन के बारे में अब इंटरनेशनल टूरिस्ट मैगजीन में भी आर्टिकल आने शुरू हो गए थे इस बात से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से खुद के इको किचन बनाने शुरू कर दिए अपने गांव के पास ही नहीं बल्कि पहाड़ के पास भी हम फॉरेनर्स के लिए बहुत अच्छा एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे थे ताकि उन्हें एक अच्छा हिल व्यू देखने को मिल जाए Coming, ma'am. Please have excellent, dear. Thanks, ma'am. दक्षिण में गोदावरी के पास लोग पतंग उड़ाकर एंजॉय कर सके हमने ऐसा अरेंजमेंट किया था एक समय पे हम पूरी दुनिया से अलग हो चुके थे लेकिन आज हमने ऐसा इंतजाम किया कि पूरी दुनिया हमारे पास आ चुकी थी हमसे जो मिल जाए तू गम सारे भूल जाए तू हम सारे पंछी उड़ते रहे हैं हम अपनी तो सारी रातें बिल्कुल ही है रंगीली अपनी सारी बातें हैं सबसे अलग सी सबसे अलग है अपनी तो यारी हमको तो लगती है दुनिया ये प्यारी है स्माइली बॉक्स या या फॉरेनर्स हमारी मेहमान नवाजी से खुश होकर हमारे हैप्पीनेस बॉक्स में अक्सर कुछ पैसे डाल देते थे एक समय में सरकार की योजनाओं से जीने वाले हम अब खुद सरकार को लाभ पहुंचाने लग गए थे
सीसाइड 12 टेंट्स फिल हो गए हैं प्रकाश. हाँ अच्छी बात है. सर योर्स 13. ओके थैंक यू. एंड योर इज थैंक यू. यस बोथ ऑफ यू कम हियर. Yeah. Oh wow, this is so nice. This one is huge. That's mine. Yeah. Sabhi tents fill ho gaye hain Prakash. Kal jo aane wale hain unke liye naye tents lane honge. Theek hai. Wow. So naye atithi, naye parichay. Hamare pure gaon ne har din ko ek tyohar ke roop mein manana shuru kar diya. Oh, wow. Oh. Ooh. So good. So good. Hey. 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 Yay. I, Peters, take you to be my wife. I will be faithful and honest to you forever. I, Julia, take you to be my husband. I share my life with you forever. हम लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत की. हमारे द्वारा शुरू किया गया ये ट्रेंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स ऑन बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हो गया. मैगजीन्स और न्यूज चैनल्स में भी हमारे बारे में खबर छपने लगी. हमें बहुत सारे इवेंट्स मिलने लग गए थे. गल्फ में सतीश जी ने एक बात कही थी, गांव में सब कुछ होता है बस उसे डेवलप करने वाले लोग नहीं होते. बहुत सही कहा था उन्होंने. हमें दूसरों की राह नहीं देखनी चाहिए बल्कि खुद आगे बढ़कर अपनी राह को बनाना चाहिए. बिजनेस के लिए कोई बड़े विचार की जरूरत नहीं है, बस अपनी गंदी आदतों को छोड़कर अपनी छोटी छोटी कोशिशों को एक नया रूप देने की जरूरत है. हमारे देश का हर प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट बन सकता है, उसका उदाहरण आज हम हैं. हम दुनिया की इको फ्रेंडली टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुके हैं. अरे प्रकाश, मधु से शादी कर लो ना तुम. मैं और मधु जी से? हाँ. कैसी बात कर रही हो दीदी तुम. होल्ड ऑन होल्ड ऑन. ये क्या, तुम मधु से प्यार नहीं करते? सच बताओ. तुमने गलत समझ लिया दीदी, मधु जी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती हैं. हमेशा उसके साथ ही रहते हो, उसे जरा सी चोट लग जाए तो पागल हो जाते हो तुम. उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, ये प्यार नहीं है तो और क्या है. कभी कभी लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हर किसी के बीच में प्यार ही हो. इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. उन्हें हमारे साथ रहने की क्या जरूरत है, मधु जी के पास एक जॉब का ऑफर भी है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हैं. फिर भी उन्होंने हमारे साथ रहने की बात को स्वीकार किया, अपने सपनों को छोड़कर हमारी जिंदगी बदलने में लग गई. वो देवी है दीदी, भगवान ना हर जगह नहीं पहुंच सकता, उसलिए उन्होंने ऐसे इंसान बनाए हैं, ऐसे अच्छे इंसान बनाए हैं. मधु जी को भगवान ने भेजा है. ऐसे साफ दिल के इंसान को मैं किसी भी रिश्ते में बांधने को मजबूर नहीं कर सकता, वो जैसी हैं वैसी ही अच्छी हैं. और अगर वो तुमसे प्यार करती हो तो? उनके सपने अलग हैं, उनकी दुनिया अलग है, उन्हें भी बहुत कुछ हासिल करना है. मैं तो उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ दीदी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. दीदी दोबारा इस टॉपिक पे बात मत करना प्लीज, उनको बुरा लग सकता है ना. अतिथि देवो भवा, मित्रों हम ये चाहते हैं कि दूसरे देश से आकर लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करें और हमारे देश की बनी वस्तुओं को वो देश के हर कोने तक पहुंचाएं. कई चुनौतियों को पार करते हुए वो दावरी नदी के तट पर एक राज्य के गांव के एक युवक ने मित्रों आज असंभव को भी संभव किया है. चैतन्यपुरम दुनिया भर के हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. चैतन्यपुरम के प्रकाश से मित्रों प्रवृत्तियों और संसाधनों की सोर्सिंग करते हुए अपने देश को विश्व इको टूरिज्म वंचित क्षेत्र पर रखा है. आत्मनिर्भर भारत अभियान के भावना के अनुरोध
मैं भारत के युवाओं को प्रकाश से प्रेरणा लेने और आत्मनिर्भर बनने के लिए। चाचा जी, प्रधानमंत्री आपको नहीं जानता ऐसा कह के मजाक उड़ाया था, पर आज तुमने उन्हें दिखा दिया कि तुम कौन हो। तुम ग्रेट हो। इस पल को मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आत्मनिर्भर बन के जीने के लिए हमारे विचारों को पहचान दिला के जीने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, हमारे विचारों को उन्होंने अपने शब्द दिए। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। Contract with a Dubai-based tourism company, Al Azam International Resort, to be started in Chaitanyapuram village. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Nice meeting you, sir. एग्रीमेंट दिखा। ओके सर। खुश नसीब हो तुम लोग, एक बड़े टूरिज्म कंपनी ने तुम्हारे रिसॉर्ट को खरीद लिया। अब उनके साथ काम करके तुम अच्छी जिंदगी। हमें किसी भी नसीब की जरूरत नहीं है, हमारी जिंदगी हमें जीने दो, वो काफी है। निकालो यहाँ से। नहीं, ये क्या? चलो पिछड़ो, क्या पिछड़ो आप लोग? पिछड़ो, क्या कर रहे हैं? पिछड़ो, राघव, मत पूछिए। प्रकाश, मारो इन्हें। धन्यवाद। नहीं, रुकिए, मत करिए ऐसा। रुकिए, रुकिए। मत मारो, मत मारो। नहीं, प्रकाश, दर्द हो रहा है क्या चाचा? हाँ, हो रहा है। ताकतवर अगर कमजोर को मारे तो भगवान उस ताकतवर को मारता है। ये बातें झूठ है प्रकाश। हम जैसे कमजोर की मदद करने कोई भगवान नहीं आता, कोई नहीं बचाता। धनवान सबसे ताकतवर है इस दुनिया में, भगवान भी उसके सामने कुछ नहीं। हमें कहीं और जाकर जिंदगी गुजारनी होगी। हाँ। पावरफुल के साथ लड़ेंगे तो हार हमारी ही होगी, ये बात मेरी समझ में आ गई। हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा और ऐसे ही जीना होगा। तो अब सब छोड़ रहे हो क्या? लड़ेंगे तो भी हम हार ही जाएंगे। वो डिसाइड करने वाले तुम नहीं हो, कोर्ट है। कोर्ट भी उनकी जेब में है। पर न्याय सबका ही है प्रकाश, हारने को भी हराने का एक तरीका होता है, कोशिश। दुबई टूरिज्म कंपनी ने लंका गांव के लोगों के साथ मारपीट की और जगह खाली ना करने पर चैतन्यपुरम के लोगों के खिलाफ अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड PIE 1998 एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। जबकि गांव वालों का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती गांव खाली करने को कहा जा रहा है और उन पर फर्जी केस दर्ज कराया गया है। अभी अभी खबर मिली है कि उन्हें न्याय पाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। नमस्ते सर। सर नमस्ते। हाँ। केस डिटेल्स। सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारा केस लड़ें। दीज आर ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हाँ, कर देंगे। हाँ, कर देंगे। हाँ, ओके। हाँ, निश्चिंत रहिए। ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। चलते हैं, बाद में देख लेंगे, आप जा सकते हैं। जी सर, चलो। इनके जरिए हमें न्याय तो मिल जाएगा ना? जैसा आपने कहा था, उन्होंने वो केस मुझे ही दिया है।
तुझे पता है क्या करना है? हाँ वो सब मैं देख लूंगा, आप चिंता ना करें। पहले तुम एक प्रेस मीटिंग रखो, मीडिया का प्रेशर बढ़ रहा है। ओके सर। हाँ मैं खोलता हूँ ना सर। टूरिज्म कंपनी के साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट किया हुआ ये कॉपी है, इसमें कहाँ और किसे खाली करना है ये बताया नहीं गया है। सो ये केस पूरी तरह से उस कंपनी और उस चैतन्यपुरम के लोगों से ही संबंधित है। ये न्याय है या अन्याय है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। दिन के हफ्ते हो रहे थे, हफ्तों के महीने हो रहे थे, केस हीरिंग पे केस की हीरिंग चलती ही जा रही थी, और ये लोग अपने कॉन्क्रीट फाउंडेशन से हमारे गांव को बर्बाद कर रहे थे। क्या हमारा गांव हमें वापस मिल पाएगा? बस ये सोच के मैं बहुत डर रहा। तुझे कितनी बार बोला इधर आने का नहीं, चल चल, खामखा आ जाता है हमारी नौकरी चली जाएगी, चल निकल। पिटीशन कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। कोर्ट के इस निर्णय से गांव वालों को काफी निराशा हुई है। कोर्ट का कहना है कि गोदावरी का लंका प्रांत अब टूरिज्म कंपनी को ही मिलेगा। ये सुनवाई आने के बाद टूरिज्म कंपनी ने तेजी से अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। क्यों रे, कोर्ट में क्या हुआ, जीत गया? अब क्या हाईकोर्ट में जाएगा? वहां पर भी यही होने वाला है। कितनी बार समझाऊंगा तुझे, हम जो देंगे उसी में जीना होगा। हमारे खिलाफ जाके प्रगति करना चाहोगे तो दोबारा लाकर यहीं खड़ा कर देंगे। वो तो दुबई गया था, चैतन्यपुरम का विकास करेगा, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया राघव? तू तो यहीं था ना, जब मेरे साथ था तो राजा की तरह जीता था, ये सब तेरे नीचे हुआ करते थे, लेकिन अब अपनी हालत देख। उन गोरों को खाना परोसकर उनकी जूठी प्लेट धोकर जी रहा है तू, जानवर की जिंदगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है राघव, चलो गाड़ी में बैठो। जब आपके साथ था ना तब मैं आपकी बात सुनने वाला गुलाम था, आज मैं प्रकाश के साथ हूँ तो मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जीता हूँ, बिल्कुल एक राजा की तरह। राजा है तो उस पेड़ पर लटक जाएगा चंदू की तरह। हमें कभी भी अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए राघव, खास करके बुरे पल को। कल कुछ भी हो सकता है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। चल। मामा, हमारा घर। आओ, चलो आओ बेटा। नहीं नहीं, अरे क्या हो गया? राघव राघव राघव, हमारा मेहनत करेंगे, जो खुशी खो गई है उसे वापस लाएंगे। सिर्फ खोई हुई खुशियां नहीं, जो खुशियां हमसे छीनी गई है उसे भी लाएंगे। अगर वो हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो हम फिर से उठेंगे, हम अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को वापस लाएंगे। कैसे? वो तो लॉयर्स को खरीद रहा है ना। उनके पास सिर्फ पैसा है मगर उनके पास सच्चाई नहीं, हमें बस एक और मौका चाहिए। लॉ में एक प्रोविजन है, हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर हम दूसरों की भाषाओं को सीख सकते हैं, तो क्या खुद के लिए केस नहीं लड़ सकते? हमने दोबारा से हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। ऊपर वाले किसी भी तरह इस केस को जिता दे। प्रकाश, डोंट वरी। तकरीबन दो साल से चल रहे
रहे चैतन्यपुरम लंका के केस में आज आखिरी सुनवाई होगी। हम ही जीते इस उम्मीद में एक तरफ चैतन्यपुरम गांव वाले और दूसरी तरफ दुबई टूरिज्म कंपनी वाले बैठे हैं। राष्ट्र की जनता और सरकार जिज्ञासा से राह देख रही है। नया कुछ नहीं है योर ऑनर। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बर्खास्त किए इस केस को यहाँ लाकर और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट अल आजम इंटरनेशनल टूरिज्म कंपनी वालों ने 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा नुकसान झेला है। हम आपके जजमेंट का वेट कर रहे हैं माय लॉर्ड। सब लीगली हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? ये जजमेंट भी अपना ही है, ये सब खत्म। सर, सर क्या है, आपको भी कुछ कहना है? यस सर। क्या है? हमारी बात को हमारा वकील ठीक से आपके सामने रख नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर। न्याय मिलेगा इस उम्मीद से हम इतनी दूर से आए हैं। हमारे दादा परदादा कई सालों से उस गांव में रह रहे हैं, हम वहीं पैदा हुए हैं और उसी की मिट्टी में मिल जाएंगे। सॉरी योर ऑनर। इट्स ओके, सर कहो या योर ऑनर कहो, रिस्पेक्ट देना जरूरी है। रियल एस्टेट वालों के लिए जमीन ही पैसा है, पर हमारे लिए वो माँ होती है योर ऑनर, और माँ किसी भी इंसान के लिए उसकी जान होती है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, असल में वो उनका गांव नहीं है ना ही उनकी जमीन है। खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करके हमारा गांव है हमारी जमीन है कहकर ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो हमारी जमीन नहीं है तो चुनाव के वक्त ये नेता लोग वहाँ वोट मांगने क्यों आते हैं? राशन की योजनाएं हम तक वो लोग क्यों पहुंचाते हैं? अगर हम उस गांव से वोट दे सकते हैं तो उस गांव की जमीन पे हमारा ही हक है। ऑर्डर ऑर्डर। गवर्नमेंट कभी गलती नहीं करती, पॉलिटिशियंस ऑफिसर्स बस उसका मिसयूज करते रहते हैं ताकि वो उससे फायदा उठा सकें। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, एक तो ये केस टाइम वेस्ट है और ऊपर से ये बेकार की बातें कर रहा है। वो क्या कहना चाहता है उसके पास ही क्लैरिटी नहीं है। टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसा मैंने कहा क्या? टिपिकल लॉयर की तरह बात मत करो। वो जो कहना चाहते हैं हम उन्हें कहने देंगे, तभी तो क्लैरिटी मिलेगी हमें आपको। उन्हें बोलने दीजिए, आप बोलिए। गवर्नमेंट और उनके डिसीजंस कभी गलत नहीं होते। सच बात तो ये है कि गवर्नमेंट हमसे कभी भी अलग नहीं होती है सर, यही सच है। पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले हम लोगों को योर ऑनर कई सालों से राशन की सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, आरोग्य योजना के तहत ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बेरोजगारों को पेंशन, ओल्ड एज वालों को पेंशन, स्वरोजगार योजना, कन्या योजना, ग्राम पंचायत योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं बिना मांगे हम गरीबों को सरकार हमेशा देती आ रही है सर, और ये बहुत बड़ा सच है। उन योजनाओं की वजह से कई सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे से आने की कोशिश ही नहीं करते। इन योजनाओं की वजह से बहुत सारे लोग आलसी बन चुके हैं योर ऑनर। स्वार्थी जनता भी है और स्वार्थी पार्टी भी है, इसलिए सही गलत का प्रश्न यहाँ पे नहीं पैदा होता। मैं बस वास्तविकता से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम अपनी जरूरतों के लिए सरकारी योजनाओं पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर हमारे गांव के लोग लगातार मेहनत करते तो गांव में डेवलपमेंट कब का हो जाता, पर इन नेताओं ने ऐसा होने नहीं दिया। ये नेता हमारी जमीन पे धंधा करते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, और हमें धक्के मार के निकाल देते हैं। क्या ये न्याय है सर? हमारे कष्टों को, हमारे भरोसों को, हमारे सपनों को इन्होंने पूरी तरह भुला दिया है, हमें उन लोगों पर डिपेंडेंट बना दिया है। क्या ये विकास है सर? पक्का घर के साथ साथ सबको रोजगार मिलेगा ऐसा बोला था, इन्होंने जानबूझकर हमारी आजादी को छीन लिया, हमें अपना गुलाम बना लिया। मौका पाते ही वो लोग हमारा खून चूस के हमें फेंक देते हैं। क्या ये न्याय है सर? जानवर और हमारे बीच ज्यादा फर्क नहीं बचा है सर।
इन लोगों के लिए हमारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है सर। हमारी स्वेच्छा, हमारी स्वतंत्रता इन लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दी है सर। कहा जाता है कि नेता समाज का निर्माण करते हैं, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अपना आर्थिक विकास किया है, गांव का विकास बिल्कुल नहीं किया। अब हमारे पास सिर्फ कोर्ट से ही उम्मीद है। हम चाहते हैं कि कोर्ट इन लोगों को रोके। किस आधार पर ये लोग हमें हमारी जमीन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जब खतरा सामने आता है तो गाय भी सींग उठाकर मारना शुरू कर देती है योर ऑनर। क्या आप ही बताइए, हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं है? हम गांव की जमीन में जीना चाहते हैं, ना कि कॉन्क्रीट के जंगल में। अपनी जमीन पर जीना क्या गुनाह है? ये तो हमारा अधिकार है ना। मगर आज ऐसा लगने लगा है कि कोई अधिकार ही नहीं बचा। वो सरकार खरीदते हैं, कानून खरीदते हैं, यहाँ तक कि पैसों के दम पर चुनाव जीत जाते हैं। आजादी, अधिकार, कानून, सुरक्षा, ये सब किताबी बातें ही लगती हैं। क्या आप हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं? ऑर्डर, 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 ऑर्डर। कॉन्क्रीट की दुनिया से परेशान होकर प्रकृति की गोद में आराम करने के लिए रोजाना दुनिया के कई कोनों से टूरिस्ट हमारे गाँव में आ रहे हैं, और अगर हमने उनका स्वागत कर दिया तो इसमें क्या गलत है योर ऑनर? हम और ये लोग एक ही गांव में पैदा हुए, इन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। हमने इन पे भरोसा करके इन्हें अपना नेता बनाया, लेकिन इन लोगों ने हमारे भरोसे को तोड़ ही दिया। तब हमने एक छोटी सी कोशिश की अपने गांव को सुधारने की, ये लोग फिर से सामने आ गए। पैसे और कानून की ताकत से हमें दबाना चाहते हैं, आम आदमी की उम्मीद को भी खत्म करना चाहते हैं। अगर हम इन्हें ताकत दे सकते हैं तो बड़ी आसानी से दी हुई ताकत को छीन भी सकते हैं, और यही डर अब इनके चेहरों पर दिखाई देने लगा है। ये नहीं चाहते कि एक आम आदमी जाग जाए। इन्हें हमारे जीने से भी अब प्रॉब्लम होने लग गई है योर ऑनर। हिंदुस्तानी कितने आगे बढ़ चुके हैं। गूगल का सीईओ एक हिंदुस्तानी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने वाला एक हिंदुस्तानी है, लेकिन जब वही हिंदुस्तानी अपने देश में कुछ करने की कोशिश करता है तो ये राजनेता उसे दबाने में लग जाते हैं। जब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज पूरी दुनिया के अंदर भारतीयों ने अलग अलग कंपनियों का निर्माण किया है, लेकिन जब वही भारतीय आगे बढ़कर अपने गांव में कुछ करना चाहता है तो ये राजनेता कानून का सहारा लेकर उसका रास्ता रोक देते हैं। क्या ये सही है योर ऑनर? बोलिए। आत्मसम्मान की जिंदगी जीने का सपना देखना, क्या गांव वालों को इसका भी अधिकार नहीं है? ग्रोथ को जीडीपी के बजाय सर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स ही तोलना चाहिए सर। सर, स्कूल में सिखाई जाने वाली पढ़ाई और विषय हम लंका में बैठकर सीखे हैं। माता पिता, गुरु देवता, हमारे लिए सब लंका ही है। एक माँ से दूर करने पर दूसरी माँ को, और दूसरी माँ से दूर करने पर, इस तरह से माँ चेंज नहीं करते सर। माँ को हमसे छीनकर हमें अनाथ मत करिए सर, प्लीज। इस देश की जनता के पास ज्ञान है, लेकिन वो विदेश में जाकर अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। क्या वो अपने देश में रहकर ऐसा नहीं कर सकते? क्या जरूरत है कि वो दूसरों का गुलाम बनकर उनकी नौकरी करें? गरीब आदमी को मौका मिलेगा तो वो अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से आत्मनिर्भर बनकर भी दिखा सकता है, खुद के साथ साथ पूरे गांव का विकास कर सकता है। सिर्फ उसे एक मौके की जरूरत है। उसे उसका आखिरी मौका एक बार लौटा दीजिए, यही मेरी विनती है। ये गांव वाले अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और ये आखिरी उम्मीद इन्हें आप दे सकते हैं। इन्हें इनका अधिकार वापस कर दीजिए। डिफेंस के तर्क में सच्चाई को, वास्तविकता को कोर्ट ने मानवीय आधार पर समझ लिया है। गवर्नमेंट पर निर्भर हुए बिना पॉवर्टी लाइन को अपनी जिंदगी से परमानेंटली डिलीट करके जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें पूरे मन से प्रेरणा दे रहा है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा काम करने वाली सरकार, अन्याय सहने वाली अपनी जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, इस विश्वास को जिंदा रखते हुए भरोसे के साथ अदालत यह आदेश देती है कि अतिथि देव भव टूरिज्म कंपनी को चैतन्यपुरम के गांव वालों के हवाले किया जाए। कोर्ट का यही फैसला है। Yes.
अतिथि देवो भव। 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 प्रगति करने वाली दुनिया के साथ साथ हमने भी कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया है।